सुल्तानपुर के लंबुआ में शॉर्ट सर्किट से बुरी तरह जले वृद्ध लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के दुबौली गांव की घटना। छोटे लाल दुबे पुत्र छब्बू उम्र लगभग 70 वर्ष बताई जा रही है। सुल्तानपुर के दोस्तपुर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हवन पूजन के साथ हो गया, जिसमें श्री मनीष शरण जी महाराज ने यज्ञ पूजन कराकर समापन कराया। समापन के बाद हजारों लोगों ने महाप्रसाद भी ग्रहण किया। इस मौके पर झांकी ग्रुप का भी आयोजन किया गया, जिसमें दर्शकों ने खूब आनंद लिया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा पर झूमे सुखविंदर। प्रख्यात गायक सुखविंदर सिंह द्वारा गाया टाइम ऑडियो की प्रस्तुति श्री हनुमान चालीसा का लोकार्पण अयोध्या में संपन्न हुआ। हनुमान जयंती के अवसर पर शनिवार को सुखविंदर और टाइम ऑडियो की टीम हनुमानगढ़ी पहुंची। लोगों ने बड़ी स्क्रीन पर चल रहे हनुमान चालीसा का लुत्फ उठाया और वे भक्ति भाव में जमकर झूमे। अमेठी के जामो ब्लॉक के हरगांव ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल लगाया गया, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी व ब्लॉक के बीडीओ व पंचायत सचिव सहित ब्लॉक के सभी अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने अपनी अपनी शिकायत की व एप्लीकेशन संबंधित अधिकारी को दिया। अमेठी में चुनाव आचार संहिता के बाद मुसाफिर थाना तहसील सभागार में एसडीएम राकेश कुमार की अध्यक्षता में आज हुआ पहला समाधान दिवस। सुनी फरियादियों की फरियाद। अमेठी पुलिस का सराहनीय कार्य। थाना रामगंज पुलिस द्वारा चोरी के 5 मॉनिटर, 5 कीबोर्ड, 5 माउस व चोरी करने के उपकरणों के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। अमेठी में फुर्सतगंज जायस के बीच जनता एक्सप्रेस के सामने एक अधेड़ महिला ने कूदकर जान दे दी। खेत पर गेहूं की कटाई कर रहे प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना था कि यह महिला कई दिनों से रेलवे ट्रैक पर आ रही थी, लेकिन शायद वह जान देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। सराय महेशा की रहने वाली थी मीरा सिंह, वह अर्धविक्षिप्त थी, बिना बताए घर से गायब हो जाती थी। अमेठी जिलाधिकारी बोले, ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों पर 18 से 23 अप्रैल 2022 तक स्वास्थ्य मेले का होगा आयोजन। स्वास्थ्य मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। अमेठी में एडीएम तिलोई बोली, भूमाफियाओं पर होगी सख्त कार्रवाई। तिलोई तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस एडीएम अमेठी राम कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें शिकायतकर्ताओं की संख्या गेहूं कटाई की वजह से काफी कम रही। इस तहसील दिवस में कुल 30 शिकायतें आईं। अमेठी में अज्ञात कारणों से जंगल में लगी आग, देखते ही देखते जंगल में आग ने लिया विकराल रूप। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के कादू नाला जंगल का मामला। अमेठी में लुटेरों और पुलिस में मुठभेड़। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी 2 लुटेरे सूरज मौर्य और संतोष पासी गिरफ्तार। सूरज मौर्य के बाएं पैर में लगी गोली, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। 7 अप्रैल को मुर्गे से लदी गाड़ी लूटकांड में फरार चल रहे थे दोनों लुटेरे। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के मुसाफिरखाना रोड स्थित चिलबिली गांव के पास हुई मुठभेड़। अमेठी में लव जिहाद का मामला आया सामने। प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम युवक लड़की को लेकर हुआ फरार। लड़की के कमरे में मिले मुस्लिम धर्म से जुड़ी किताबें और मालाएं। लड़की के पिता ने आरोपी युवक सलमान के खिलाफ थाने में दी तहरीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का मामला। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज